वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल टुगेदर एक नया चैप्टर, एक नई एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. हमको पता है इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं. इकोनॉमिक लॉज वी कैन से दे आर द लॉज ऑफ कोर्स, द रूल्स दैट डील विद और दैट रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इकोनॉमी. तो हमारी इकोनॉमी से जुड़े बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको अगर रेगुलेट करता है तो उसको हम इकोनॉमिक लॉज में कैटेगराइज करते हैं. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज वन सच इकोनॉमिक लॉ. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बेस की जरूरत है कि एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट तो अगर हम स्टार्ट कर देंगे सो वील गेट इन टू द लीगल डेफिनेशंस एंड लीगल टर्म्स और उसके बाद ये समझो वो समझो, इस एक्ट में ये मीनिंग वो मीनिंग, और फिर हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी. तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये एक्ट क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई. और सबसे पहली बात, ये जो वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग, इसका मतलब क्या है. मनी तो हम सबको पता है, हु डजंट नो मनी, पैसा पैसा, राइट. लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है. मैम लॉन्ड्री तो नहीं पता, लॉन्ड्रिंग तो नहीं पता, पर लॉन्ड्री जरूर पता है ना. लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है, टू वॉश ऑफ, राइट. सो जस्ट लाइक लॉन्ड्री होता है टू वॉश ऑफ, आप दाग को हटाते हो, वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है मनी पे जो दाग लगे हैं उनको हटाना. कन्वर्टिंग योर ब्लैक मनी इंटू व्हाइट मनी इज मनी लॉन्ड्रिंग. कन्वर्टिंग योर टेंटेड मनी इंटू अनटेंटेड और क्लीन. टेंटेड मतलब क्या होता है, डर्टी. जैसे हमारे कपड़े होते हैं गंदे हो जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं और धोके साफ कपड़े निकल जाते हैं, राइट. वैसे ही क्या हो रहा है यहां पे भी, हमारे पास कुछ ब्लैक मनी है, वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू व्हाइट मनी. प्रॉब्लम यहां अराइज नहीं होती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रॉब्लम यहां पे अराइज नहीं होती है. प्रॉब्लम तब होती है जब ये जो ब्लैक मनी है इज फ्रॉम illegitimate sources. काला धन अलग बात होती है. इस पर्टिकुलर एक्ट में जिस मनी की हम बात कर रहे हैं, supposedly I have black money, black money something, black money जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे यार मेरे पास इतना ब्लैक मनी है, दैट डजेंट मीन कि मैं किसी का मर्डर करके लेके आई हूं इतना ब्लैक मनी, राइट. दैट डजेंट मीन कि मैंने कोई ड्रग ट्रैफिकिंग की और मुझे उससे क्या मिला है, 50 लाख रुपए मिले हैं जो मैंने रखे हुए हैं एंड आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू व्हाइट मनी. नहीं, What it can mean is, मैंने कैश में उससे पैसा ले लिया. जो कच्चा पैसा आप बोलते हो ना, उसको हम यूजुअली क्या सोचते हैं, ब्लैक मनी. एंड दैट इज वॉट वी कन्वर्ट इट इन टू व्हाइट मनी, कि उसको कुछ चैनलाइज करके प्रोसेस में डाल देते हैं तो व्हाइट मनी हो जाएगा हमारा. बट दैट मनी इज नॉट ऑफ आर कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. और द मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब वही होता है. सबसे पहली बात, मनी के दो सोर्सेस हो सकते हैं. आपको लेजिटिमेट सोर्सेस से भी पैसा आ सकता है और इलेजिटिमेट सोर्सेस से भी आ सकता है, राइट. सपोजिटली देर इज अ सिचुएशन कि आपने देखा कि राह चलते आपको एक दिखा अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा, राइट. तो आपने कहा चलो इसको थोड़ा सा सबक सिखाते हैं और हमारी भी थोड़ी सी पॉकेट मनी निकल जाएगी. तो आपने क्या किया, उसको किडनैप कर लिया, उसको किडनैप किया और उनके फादर से रैंसम मांगा 50 लाख रुपए. बहुत इजी था मिलना बिकॉज ही वॉज अ रिच, ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली. 50 लाख रुपए आपके हाथ लग गए. 50 लाख रुपए अब आप क्या करोगे, 50 लाख रुपए का क्या करोगे, घर लेके जाएंगे. सपोजिटली आप सीए बन गए हो और प्रोफेशनल हो, सीए सीएस सीएमए, आप जो भी प्रोफेशनल हो बन गए हो, तो उसके बाद घर पहुंचे 50 लाख रुपए लेके, क्या होगा, घर वाले भी शक करने लगेंगे, आस पड़ोस की तो छोड़ दो, वो भी बोलेंगे कि ये कौन सी तुम्हारी लॉटरी लग गई है जो 50 लाख रुपए लेके आ गए, ऐसी कौन सी नौकरी लग गई है, स्कूल में तो हर साल फेल होते थे. घर वालों को भी विश्वास नहीं हुआ.
राइट आपने सोचा चलो गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या काम करते हैं ना बैंक में जाके जमा कर देते हैं, घर पे किसी को नहीं दिखाएंगे, पहुंचे बैंक उसको जमा करने, तो क्या बैंक में जमा करोगे बैंक वाले ले लेंगे 50 लाख रुपए? 10 सवाल करेंगे, सारे रिक्वायरमेंट्स आपने पूरे कर भी दिए उनके, तो अगले दिन इनकम टैक्स की नोटिस होगी, होगी कि नहीं होगी? पॉइंट समझने की कोशिश करना, पहली क्राइम थी आपकी किडनैपिंग, पहली क्राइम आपकी किडनैपिंग, जो इस एक्ट में कहीं पे भी ऑफेंस नहीं है, हर एक्ट का अलग अलग ऑफेंस होता है ना, तो वो आप जाओ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में और जाके देखो कि किडनैपिंग की आपके ऊपर क्या सजा होगी, किडनैपिंग का चार्ज लगेगा, उसके बाद सुनवाई होगी, उसके बाद आपको सजा सुनाई जाएगी, वो अलग। किडनैपिंग से जो आपको पैसा मिला फ्रॉम इललेजिटिमेट सोर्सेज, जो आपको पैसा मिला है, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट एज वाइट मनी, वो यहां पे ऑफेंस होता है, वो यहां पे क्या होता है, ऑफेंस होता है। सो नॉट जस्ट दैट क्रिमिनल एक्टिविटी जो आपने किडनैपिंग की, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, अगर आपने उसका ओरिजिन छुपाने की कोशिश की, वो भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। अब अगर आप सोचो कि मैम ओरिजिन छुपाने की जरूरत ही नहीं है, चलो ब्लैक का ब्लैक ही रख लेंगे, तो रख के करोगे क्या? इतना रिस्क लिया और उसके बाद जो पैसे मिले उसको यूज भी नहीं कर सकते, तो क्या फायदा रिस्क लेने का? राइट तो क्या फायदा रिस्क लेने का? तो मतलब जब भी आप गलत तरीकों से पैसे कमाते हो, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी आप गलत तरीकों से पैसे कमाते हो तो उसके बाद आपको उन पैसों को सोसाइटी की नजर में, अथॉरिटीज की नजर में क्या करना होता है, वाइट करना होता है ना। सपोजली आपको वो 50 लाख रुपए ही मिले, अब आपने क्या किया, घर वालों को बता दिया कि मेरी जॉब लग गई, अनएम्प्लॉयड घूम रहे हो, अभी भी नौकरी वोकरी मिली नहीं है। No, I never wish that. I wish all my students a great success. एक example है, ठीक है? Unemployed घूम रहे हैं, अभी तक नौकरी मिली नहीं, पर घर वालों को क्या कर दिया, बता दिया कि नौकरी मिल गई, और नौकरी कितने की मिली है, 2 लाख रुपए महीने की। अब हर महीने 2 लाख रुपए पहुंचा दो, तो अब क्या होगा, घर वालों को ठीक लगेगा, और जब आपके 6 महीने हो गए, 12 लाख आपके वाइट हो गए इन द आईज ऑफ योर फैमिली, ठीक है? हर एक का एक सिस्टम होता है, ठीक है? जैसे अगर मान लो आपको कहीं भी कोई रास्ते पे फटा हुआ नोट मिल जाए, या कभी किसी ने फटा हुआ नोट दे दिया, गलती से आपके पॉकेट में आ गया, अब हम क्या करते हैं? मतलब आई टेल यू माई एग्जाम्पल, मैं क्या करती हूं अगर मुझे कभी भी फटा हुआ कोई नोट मिल जाए, या क्या करती थी, आज की सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, पर जब छोटे हुआ करते थे, बहुत छोटे, तो क्या करते थे, फटा हुआ नोट ऐसे 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 ऐसे, वे टेक एवरी मेजर टू फोल्ड इट इन सच अ वे कि वो सामने वाले को विजिबल ना हो कि हम उसे फटा नोट दे रहे हैं, है ना? और सोचते थे बस किसी तरह उसको चिपका दे, अरे मेरे हाथ से तो निकल जाए, दैट्स इट। तो आप क्या कर रहे हो, इट वॉज अनटेंटेड, वो सॉरी इट वॉज टेंटेड, है ना? हमने इसको दिया तो अब हमारे हैंड्स में तो क्या हो गया, क्लीन हो गया, आप वो जाने, राइट? अब वो जाने, अभी ये एग्जाम्पल याद रखना, बिकॉज आई नीड इट अ लिटिल लेटर, मुझे थोड़ी सी देर में इस आपके एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी वापस से, ठीक है? बस ये एग्जाम्पल पे हम एक नए टॉपिक पे स्विच कर रहे हैं, आई कम बैक टू दिस एग्जाम्पल। हमने क्या किया है, हर तरीके से फोल्ड करके दे दिया है। अब समझिए व्हाई दिस एक्ट, ये जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग योर इनलीगल मनी इंटू लीगल मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट इनलीगल मनी इंटू लीगल मनी, और ब्लैक मनी इंटू व्हाइट मनी, इज द प्रोसेस दैट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग, कन्वर्टिंग योर टेंटेड मनी इंटू अनटेंटेड, बिना दाग धब्बों वाला, ठीक है, साफ स्वच्छ। नाउ दिस, ये एक्ट क्यों लेके आई गई, ये एक्ट बेसिकली लाई गई इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रोकने के लिए, और इससे जुड़े हुए सारे मैटर्स के लिए, प्लस इससे आपने जो भी प्रॉपर्टी डिराइव की उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए, इससे आपने जो भी प्रॉपर्टी डिराइव की उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए। हाउ डू वी डिराइव प्रॉपर्टी, व्हाई डू वी डिराइव प्रॉपर्टी, एंड एट ऑल व्हाट इज प्रॉपर्टी, अभी सब पता चलेगा। अब
मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस समझते हैं. सपोजेडली 50 लाख रुपए अगर मुझे मिले और मैं चली गई वो बैंक के पास, तो बैंक में अगर मैंने डिपॉजिट करा दिए, सबकी नजर में आ गया. 50 लाख रुपए हम घर लेके आ गए, सबकी नजर में आ गया. क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हो. सो इफ यू हैव अ लार्ज चंक ऑफ मनी, मतलब आपके पास 50 लाख रुपए हैं, उसमें से 5 लाख रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, 5 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, 2-4 लाख के शेयर्स ले लिए, ठीक है, 2-4 लाख का एक ऐसे ही कच्चे में लैंड ले लिया कोई, ठीक है, या कुछ फंड्स इधर से गिफ्ट लेके ऐसे करके आपने क्या किया, अपने पूरे फंड्स को ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में और इधर उधर डाल दिया. किसी की नजर में नहीं आया, किसी को पता भी नहीं चला. और आपका सारा पैसा कहां चला गया? इकोनॉमी में सर्क्यूलेट हो गया, कहीं ना कहीं वो सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्ट हो गया है. राइट, पैसा उस फ्लो ऑफ मनी में आ गया है. अब मेरी एक बात बताओ, मैंने पैसा दिया, कोई अगर सामने वाला पूछेगा, या से फॉर एग्जाम्पल वापस अपने उसी एग्जाम्पल पे आते हैं, मैंने क्या किया, सपोजेडली एक शॉपकीपर को एक 500 का फटा हुआ नोट इस तरीके से फोल्ड करके दे दिया था उसको, ठीक है, और फिर मैंने तो सोचा क्या हो गया, मैं तो अब क्लीन हो गई, अब तो मुझे पकड़ा नहीं जा सकता है. पर उस शॉपकीपर के पास पूरे दिन कोई नहीं आया, ठीक है, उस शॉपकीपर के पास पूरे दिन कोई भी नहीं आया और वो पैसा उसी के पास रह गया. शाम को जब वो जो अपना जो भी बही खाता हिसाब किताब कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो 500 का नोट निकाला एंड ही सॉ, उसने देखा कि ये क्या है, अरे यार ये तो फटा हुआ है, किसने दिया था, अरे 500 का नोट तो वही लड़की आई थी, उसी ने आके दिया था, वो छोटी हाइट वाली. तो क्या हुआ, मैं ट्रेस हो गई. अब अगर कल मैं जाऊंगी उस शॉपकीपर के पास, वो तुरंत क्या करेगा, मुझसे वो 500 रुपीस का नोट एक्सचेंज करेगा. दैट मींस आई वाज इजीली ट्रेसेबल. क्यों? क्योंकि मैंने लेयरिंग नहीं की. नाउ व्हाट इज लेयरिंग? अगर यही 500 का नोट मैंने शॉपकीपर को दिया होता, शॉपकीपर से किसी रिक्शे वाले के पास, रिक्शे वाले से किसी बैंक में, बैंक तो ऐसे देख के एक्सेप्ट करता है, बट इधर से उधर 10-12 लोगों तक सर्क्यूलेट हो चुका होता, कोई ना कोई तो भूलेगा. राइट, एक दो ने पीछे पकड़ भी लिया कि अरे यार ये तुमने दिया था, मुझे किसने दिया था, ये तो मुझे याद ही नहीं. मुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा. दैट मीन्स जितने लोगों से पास ऑन हो गया, उतना ओरिजिनल सोर्स से वो दूर हो गया. अब मुझ तक उसका पहुंच पाना, या जिस कहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, किसने ये किया है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. राइट, ये ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सपोज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो अब हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पैसे हमने क्या किए, पहले हमने छोटे छोटे पैसे तोड़े, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको लेयरिंग किया. लेयरिंग मतलब क्या है, शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेच के क्या कर दिया, कोई लैंड खरीद लिया, प्लॉट बेच के उसको कोई और इन्वेस्टमेंट कर दी, वो बेच के हमने किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया. ऐसे ऐसे हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स किए, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में स्विच किया. अब ये क्या हो गया, अब कितने पीछे जाओगे, कितना सोर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, जहां 4 लाख ये जा रहा था वहां 1 लाख और चला गया, अब 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया. ऐसा थोड़ी ना आप करते हो कि 4 यहां से यहां उठाए, यहां से यहां उठाए, नहीं, वो सारे फिगर्स सारे नंबर्स बदलते जाते हैं. तो अब डिफिकल्ट हो गया. एंड लास्टली, क्या हमने इस दिन के लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग की थी, मतलब हमने क्या इस दिन के लिए पैसे इलेजिटिमेट मीन्स से या इनलीगल मनी कमाया था, जब हम उसको इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ के जिए? नहीं. सो लास्टली हम क्या करते हैं, उसको इंटेग्रेट करते हैं, उसको इंटेग्रेट करते हैं, मतलब अब हम सारे फंड्स को जोड़ते हैं. और मे बी मैंने 1-4 करोड़ का घर ले लिया, अब मुझसे पूछा जा सकता है 4 करोड़ कहां से आए, पूछा जा सकता है ना, पूछा ही जाएगा.
अगर पहले ही मैं ले लेती 4 करोड़ ही मेरे पास थे ना, 4 करोड़ मान लो या 50 लाख, 50 लाख से हमने शुरू किया था ना, 50 लाख का मैंने एक घर ले लिया। अब पूछा जा सकता है 50 लाख कहां से है, वो मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, वो मैंने एक लैंड लिया हुआ था, लैंड मैंने लिया था 2 लाख का, वो मैंने बेचा ना तो 15 लाख का मुझे मिल गया। वह ऐसा कौन सा लैंड है यार, हमें भी दिला दो। पर ऐसा करते हैं लोग, राइट। तो अब हमने ये सारे सोर्सेस दिखा दिए, अब ये लैंड कैसे खरीदा, वो उसने मुझे गिफ्ट दिया था, उसने कैसे गिफ्ट दिया, उसके अकाउंट में तो मैंने ही डलवाया था, अब ये कौन बताए। तो उसके पास पैसा कहां से आ रहा है, वो सैलरी कमाता है। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया अब हमको पीछे 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 जाके सोर्स को ट्रेस करना। सो ये हमारी व्हाइट मनी हो गया, जो हमने घर तैयार किया 50 लाख का। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, टेंटेड प्रॉपर्टी नहीं हुई, अनटेंटेड हो गई, बिना दाग वाली, क्लीन मनी, राइट, क्लीन, स्वच्छ। तो ये जो हमारा प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। द वेरी फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट, सेकंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन। सबसे पहले प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। आप प्लेस करते हो, इंजेक्ट करते हो इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल चंक्स। उसके बाद लेयरिंग, आप क्या करते हो, इज लेयर्ड और मूव्ड और स्प्रेड ओवर वेरियस ट्रांजैक्शंस इन डिफरेंट अकाउंट्स, डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग, इधर उधर इधर उधर, ताकि आपका ओरिजिन, आपका सोर्स ढूंढना मुश्किल हो जाए। एंड फाइनली यू कंबाइन, आप इस तरीके से उसको कंबाइन करते हो कि जो ओरिजिनल एसोसिएशन विद द क्राइम था वो तो कहीं दूर दूर तक दिखता भी नहीं है। सो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक टू व्हाइट मनी, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले प्लेसमेंट, उसके बाद लेयरिंग, और उसके बाद इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, क्लियर है। नाउ देयर आर मेनी मेथड्स थ्रू विच मनी कैन बी लॉन्डर्ड एंड ह्यूज प्रॉफिट इज मेड। कौन से वो मेथड्स हैं, सबसे पहला हो गया कैश स्मगलिंग। कैश स्मगलिंग मतलब मूविंग कैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डायरेक्टली आप कैश की ही स्मगलिंग कर रहे हो। स्मगलिंग मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना विदाउट एनी ऑथराइजेशन, इलीगल तरीके से अगर आप गुड्स क्या कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं स्मगलिंग। कैश की स्मगलिंग कर रहे हो, डायरेक्टली कैश लेके जा रहे हो, कहां लेके जा रहे हो। आपने इतनी बॉलीवुड मूवीज में सुना होगा उसके स्विस अकाउंट में इतना पैसा है, हम स्विस अकाउंट को हैक करेंगे, सुना है ना, बहुत ज्यादा सुना होगा, राइट। व्हाट इज इट एंड व्हाई, स्विस बैंक ओनर्स क्लाइंट्स सीक्रेसी, राइट। तो वहां पे डिटेल्स निकलवाना किसका अकाउंट है, किसके अकाउंट में कितना पैसा, इज नॉट इजी, ठीक है, बिकॉज वहां पे इसीलिए क्या हो रहा है, यहां से पैसा वहां चला गया। अब ये क्या हो रही है, कैश स्मगलिंग ही तो है, कैश स्मगलिंग ही तो है, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग जैसे हमने बात किया कि स्मॉलर अमाउंट्स में आप कैश को ब्रेक कर देते हैं, स्मॉलर अमाउंट्स में कैश को ब्रेक करना तो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट टू ट्रेस। देन लॉन्डरिंग वाया रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से क्या होता है, खरीदो और बेचो, खरीदा 10 में, बेच दिया 1000 में, प्रॉफिट आया। अब आप बोलोगे कि मैम अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो कौन टैक्स देने से बचता है, वी वॉन्ट सच स्कीम्स। कितनी बार आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने भी निकाली है कि आप खुद सरेंडर करो, आप बताओ आपके पास इतना मनी है, बस इतने पे टैक्स पे करो और सारा का सारा आपका व्हाइट मनी। सो वी पीपल वेट फॉर सच टाइप ऑफ स्कीम्स ऑल्सो बिकॉज दे वॉन्ट टू कन्वर्ट देयर ब्लैक मनी इंटू व्हाइट मनी। तो वो आप सोचो कि आपके 1-2 लाख टैक्स से वो बचेंगे, बिल्कुल नहीं, उनको तो क्या फिर भी चाहिए
आप ले लो यार, जितना टैक्स लेना है ले लो, पर मेरा वाइट मनी कर दो ताकि मैं कुछ ले तो पाऊं, ताकि इंजॉय तो कर पाऊं, राइट? तो उन्होंने क्या किया, दिखा दिया कि प्रॉपर्टी खरीदी बस इतने में और प्रॉफिट हो गया हमें इतना ज्यादा, इतने में सेल हो गई तो प्रॉफिट खूब हो गया, राइट? देन स्टॉक मार्केट स्कैम्स। देखो स्टॉक मार्केट में तो 2 का 10 वैसे भी बनता है ना, तो जब ऐसे बन जाता है तो थोड़ा बनाना कितना मुश्किल होगा। बहुत सारे स्टॉक मार्केट स्कैम्स होते हैं, जब पैसे की पावर होती है ना तो कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन काफी सारा कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा घुमा सकते हैं और खूब प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। दैट इज वॉट वी नीड, प्रॉफिट तो हमारे पास है ही, भर भर के पैसा है, बस ऑन पेपर ही तो दिखाना है। देन यू ऑल्सो क्रिएट बोगस कंपनीज, बोगस कंपनीज बहुत सारी क्रिएट होती है। बोगस कंपनीज क्या होती है, सिर्फ ऑन पेपर कंपनीज है, ठीक है, जिसमें एक्चुअली कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, बट दिखा रहे हैं कि खूब बिजनेस हो रहा है, खूब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, खूब इनकम आ रही है। क्यों आ रही है इनकम, हमारे ऑन पेपर के कैश को बढ़ाने के लिए, हमारे व्हाइट मनी को बढ़ाने के लिए इनकम आ रही है, दैट्स इट। देन आपने देखा है ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्राइबरी, करप्शन, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ये सारी चीजें तो होती ही होती है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, एग्जैक्टली, दैट इज ऑल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोकेंगे तो इन सबको बढ़ावा देता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करप्शन को बढ़ावा देगा मैम, मनी लॉन्ड्रिंग से करप्शन कैसे बढ़ जाएगा? हर चीज रिलेटेड है। देखो अगर पैसा कन्वर्ट करना इंटू व्हाइट मनी इतना ईजी हो, ठीक है, तो हर कोई क्या करेगा, सोचेगा यार, यू ऑल नो दैट इनलीगल तरीके से पैसा कमाना इज वे मोर इजियर देन लीगल मीन्स, है ना, और उसमें ज्यादा पैसा भी है। लीगल तरीके से आप पैसा कमाओगे कम पैसा मिलेगा, तो इनलीगल तरीके से पैसा कमा लेते हैं फिर। और हमें यह भी बताए कि इनलीगल तरीके से कराओ कमाओ और इस तरीके से व्हाइट मनी कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज कोई भी चेक, कोई रोक टोक कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, और लोग उस पर रिजॉर्ट करेंगे। एंड जिस जो 10 रुपए कमा रहा है उससे आप बोलोगे कि 5 रुपए दे दो तो वो नहीं दे पाएगा, पर वो जो 10 करोड़ कमा रहा है उससे आप 10,000 भी मांगोगे तो वो खुशी खुशी दे देगा। तो ब्राइबरी करप्शन तो सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। सो देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर एनएक्टमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन सॉरी फॉर प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड द कनेक्टेड एक्टिविटीज। तो इसी के साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल इंट्रोड्यूस किया गया 1998 में और बिल पास हुआ 2002 में। एक्चुअली इट गॉट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 17 जनवरी 2003, ठीक है, एंड द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2005, ठीक है। काफी सारी बार अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। सो नाउ विल स्टार्ट विद द एक्ट। नहीं, अगर ऐसे हम नॉर्मल ब्लैक मनी की बात करें तो यू आर नॉट लायबल अंडर पीएमएलए, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी एक शेड्यूल्ड ऑफेंस, ठीक है, तो उसमें आई विल डिस्कस दीज थिंग्स, उसमें आई विल डिस्कस दीज थिंग्स। बट बिफोर दैट एक और छोटा सा कंसेप्ट, येट अनदर एग्जांपल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज हवाला। दैट इज हवाला। हवाला का मतलब क्या होता है, वन वे ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जिसमें एक्चुअली पैसे की कोई मूवमेंट होती ही नहीं है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर मनी। जैसे हमने बोला ना कि यहां से हमें भेजना है वहां पैसा, दूसरे कंट्री में भेजना है, तो हाउ डू वी ट्रांसफर, हम बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे तो बैंक पूछेगा सोर्स बताओ, कहां से पैसा आया, किसको भेजना है, कहां, क्या, इतने सवाल जवाब करेगा कि इट इज नॉट ईजी। बट स्टिल वी वॉन्ट टू रेमिट सर्टन मनी, ठीक है, हमें इधर से उधर रेमिटेंस करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक हेल्प ऑफ, मतलब हम नॉट टीचिंग यू दिस कि आपको ऐसा करना है, बट दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। हवाला एजेंट्स होते हैं, ठीक है, हवालादार्स। अब ये करेंगे क्या, सपोजिडली आई वॉन्ट टू ट्रांसफर अ सर्टन सम से 10,000 रुपीज
टू सम पर्सन इन जापान, मान लीजिए, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूं, ये मेरा ब्लैक मनी है, ठीक है, अगर मेरा व्हाइट मनी होता तो आई वुड हैव फॉलोड द लीगल प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, ये मेरा क्या है, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी मुझे ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ के एक एजेंट को पकड़ो, उसको पैसे दे दो, अब वो एजेंट वहां पे पैसे नहीं देगा, पर उसका एक को एजेंट है जो भी क्या है, हवालादार ही है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और जिसको भी पैसा देना है वो वहां के एजेंट से पैसा ले लेगा। दैट मीन्स यहां पे पर्सन ने क्या किया, 10,000 इसको दिए, इसको दिए, यहां पे कोई मूवमेंट ऑफ मनी नहीं हुआ, इसने 10,000 इसको दे दिए, ठीक है, 10,000 नहीं देगा, आफ्टर डिडक्टिंग जो भी अमाउंट होता है, से 500 उसने डिडक्ट कर दिया और डिडक्ट करने के बाद दे दिया उसको, डिडक्ट करने के बाद उसको दे दिया, ये सब सब कनेक्टेड हैं, दे आर ऑल काउंटर पार्ट, ठीक है, तो ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। अब क्या होगा, आपने 10,000 दिए, उसने $10,000, मतलब जो भी एक्सचेंज रेट के हिसाब से है, इट इज एक्चुअली नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज रेट, बट ऑन द बेसिस ऑफ द रेट दैट इज डिसाइडेड बाय देम, तो वो लोग रेट में भी कमाते हैं, ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन कोड बस होता है जो बताना होता है और वहां से पैसे, हाँ, एज इट हैपेंस इन बॉलीवुड मूवीज, ठीक है, सो क्योंकि गलत काम होता है तो कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई रिसीट नहीं होती है, बस इन एजेंट्स होते हैं, दे वर्क विद अ नेटवर्क ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, तो विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी क्या होता है, पैसा इधर से उधर, उसको इतना दे दो, उसको इतना दे दो, ये सब चलता रहता है, सेटलमेंट, ठीक है, सो दिस इज हाउ हवाला वर्क्स, दिस इज हाउ हवाला वर्क्स। अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्ट, सो यू नो क्यों एक्ट आई, क्यों जरूरत थी इस एक्ट को आने की, कब आई, अब आपको ये भी पता चल गया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, वो भी मैं आपको बता दूं, तो यू नो द बेसिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट नाउ। अभी तक हमने कोई भी डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, मैंने आपको मीनिंग बताया है मनी लॉन्ड्रिंग का, बट डेफिनेशन नहीं बताई है, डेफिनेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज डिफरेंट, ये बस एक मीनिंग है, एक स्ट्रक्चर है, ताकि जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना रहे, ठीक है, सो नाउ विल स्टार्ट विद द डेफिनेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहली डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज पी, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग हैज अ मीनिंग असाइन टू इट इन सेक्शन 3। सो जब हमने देखा है कि कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसके सेक्शन 2 में क्या होते हैं, यूजुअली डेफिनेशंस होती हैं, नॉट नेसेसरली बट यूजुअली सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती है, तो यहां पे भी सेक्शन 2 में मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन किया गया है, बट कोई डेफिनेशन दी ही नहीं, बस इतना बोल दिया कि इट हैज द सेम मीनिंग एज अंडर सेक्शन 3। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 3 में क्या लिखा है। सेक्शन 3 बोलता है कि हूसोएवर, कोई भी मतलब कोई भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब खुद करे या इनडायरेक्टली हो जाए, हो जाए मतलब एक्सीडेंटली नहीं हो जाए, इनडायरेक्टली हो, खुद कोई काम कर रहा है या इनडायरेक्टली किसी से करवा रहा है, मैंने खुद किडनैपिंग कर ली या इनडायरेक्टली मेरे इंस्ट्रक्शंस पे कोई किडनैपिंग कर रहा है, आई एम रनिंग अ चेन, डायरेक्टली मैं जाके किडनैपिंग करनी नहीं करती हूँ, अपने हाथ गंदे नहीं करती हूँ, किसी और से करवाती हूँ, मैंने पूरा क्या कर रखा है, नेटवर्क बना रखा है, चैनल बना रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली करवा रही हूं। अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज मतलब जरूरी नहीं है कि आपने वो काम किया हो, आपने कोशिश की तो भी आप गलत हो जाओगे, आपने कोशिश की तो भी आप गलत हो जाओगे। सपोजिडली हम मीटिंग कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग, और
नहीं अब ऐसा नहीं होता. सपोजिटली हम मीटिंग कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमने प्लान्स बना लिए, हमने क्या किया, हमने कुछ भी आप करना चाह रहे थे, हमने ड्रग्स वगैरह मंगा लिए या ड्रग्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, उनको एडवांस दे दिया, हमने अटेम्प्ट किया और दो ड्रग्स आए नहीं, ठीक है, बट हमने अटेम्प्ट किया तो भी हम इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में भागीदार हो जाएंगे. अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैम आप ये क्या बोल रही हो, मनी लॉन्ड्रिंग जब हम बोल रहे हैं तो मतलब इट इज कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, ऐसा ही कुछ ना, बस ऐसा ही कुछ दिमाग में रख के आगे पढ़ना. और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी, नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी और इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड. देखो कितनी बातें हो गई, कोई भी whosoever, मतलब सबसे पहले कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन दोनों में से कुछ भी अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, ठीक है, और पूरा नहीं लिख रही हूं, अटेम्प्ट्स और नोइंगली असिस्ट, नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी. नोइंगली असिस्ट मतलब, असिस्ट मतलब क्या होता है, आपकी है, उनकी हेल्प करना. सपोजिटली मैं किडनैप करने जा रही हूं और मैंने एक टैक्सी को हायर किया और उसको बोला कि यार वो सामने वाला पर्सन है ना उसको किडनैप करना, चलो चलो जल्दी चलो मैं तुमको 1000 रुपए दूंगी, वो टैक्सी वाला चल दिया तो उसने नोइंगली मेरी मदद की, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया. नोइंगली इज अ पार्टी, दो लोग मिलकर कर रहे हैं, सो इज ऑल्सो पार्टी टू दिस पर्टिकुलर थिंग. पर अभी हम सिर्फ ऑफेंस की बात कर रहे हैं, अभी हमको ऑफेंस की बात ही नहीं करनी है, अभी देखो हमें बात क्या करनी है. Whosoever directly or indirectly attempts, मतलब कोशिश करना भी गलत है, किसी का जान के साथ देना भी गलत है, किसी का जान के obviously, मतलब किसी की जान के हेल्प करना भी गलत है, किसी का जान के साथ देना भी गलत है, ठीक है, और इज एक्चुअली इन्वॉल्व, खुद करना तो गलत है ही, पर क्या चीज गलत है, क्या चीज गलत है, क्या किडनैपिंग गलत है? मैम किडनैपिंग गलत है तो आप यहां क्यों पढ़ा रहे हो, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पढ़ाओ, वो तो बेटा कर ही चुके हो, क्राइम तो कर ही चुके हो, ऑफेंस तो कर ही चुके हो, फिर क्या गलत है इस एक्ट में, क्या गलत है? इज एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्ट विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्चुअली इन्वॉल्व, ये सारे के सारे किसमें इन्वॉल्व है, इन एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. यहां उठा सवाल कि मैम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज यू, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मींस एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग, ये हो गया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, एनी प्रॉपर्टी. अब सवाल ये उठता है कि मैम प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी मींस हम रुक गए हैं यहीं पे, एनी प्रॉपर्टी के आगे हम रुक गए क्योंकि पहले तो ये समझ के आते कि प्रॉपर्टी क्या होता है. सो प्रॉपर्टी अगेन सेक्शन 2 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी एसेट हो, किसी भी तरीके का हो, वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल. कॉर्पोरियल मतलब क्या होता है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, जैसे रियल एस्टेट है, इन सबकी क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जस्ट लाइक टैंजिबल इनटैंजिबल, वो भी अलग से हमें दिया हुआ है, मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल हो, इमूवेबल हो,
tangible ho, intangible ho, ठीक है, and includes deeds and documents evidencing title to, इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके का एसेट इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जैसे रेलवे रिसीट. रेलवे रिसीट का मतलब क्या होता है? कहीं पे अगर गुड्स बुक हुए, कहीं पे भी अगर गुड्स बुक हुए और मेरे पास रेलवे रिसीट है, तो रेलवे रिसीट क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. मतलब ये एक ऐसा प्रमाण है, ये एक ऐसा प्रूफ है कि ये गुड्स मुझे बिलोंग करते हैं. आई ओन दीज गुड्स, आई हैव द टाइटल, आई हैव द ओनरशिप टू दीज गुड्स. ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट, रेलवे रिसीट. देयर कैन बी एनी डीड. डीड कैसी? कोई भी डीड जिससे आपका, आपका शेयर, आपका बेनिफिट, आपका इंटरेस्ट किसी एसेट में, किसी प्रॉपर्टी में प्रूफ हो सकता है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स या डीड्स भी क्या कहलाएंगे? प्रॉपर्टी कहलाएंगे. मतलब रेलवे रिसीट अगर आपके पास है तो वो प्रॉपर्टी आप ही की कहलाएगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ही है. सो प्रॉपर्टी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, लॉ में ये टर्म यूज होता है, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, एंड इंक्लूड्स डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल टू और इंटरेस्ट देयर इन प्रॉपर्टी और एसेट्स वेर एवर लोकेटेड. वेर एवर लोकेटेड, कहीं पे भी लोकेटेड हो, not necessarily in India, not necessarily outside India, urban area, rural area, कहीं पे भी located हो, ठीक है. ये समझ में आ गया. अब वापस से आते हैं proceeds of crime पे. So any property which is derived or obtained, any property derived or obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity relating to scheduled offense or the value of any such property, or where such property is taken or held outside the country, then the value, then the property equivalent to the value held within the country or abroad. See, proceeds of crime means any property derived or obtained directly or indirectly by a person as a result of criminal activity relating to a scheduled offense. पहले तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि scheduled offense कौन सा होता है. Scheduled offense में जो आपने criminal activity की, उससे अगर आपने कोई भी property derive की है, अब property derive की है मतलब यहां पे जरूरी नहीं है कि आपने कोई घर खरीद लिया है उससे. प्रॉपर्टी मतलब कोई भी एसेट. क्या मनी एसेट होता है? बिल्कुल होता है. मनी, मनी इज एन एसेट, राइट? एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन हमने बोल दिया, तो हर तरीके का एसेट आ गया. कोई भी एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, आपने क्या कर लिया, आईपीआर ही खरीद लिए ब्लैक मनी से, तो वो प्रॉपर्टी आपने डिराइव की है फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस. आई यू गेटिंग माई पॉइंट? शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या है? इस पर्टिकुलर एक्ट का शेड्यूल देखो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड सी. पार्ट ए पैराग्राफ वन, ऑफेंसेस अंडर द पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड. किडनैपिंग करो, एक्सटॉर्शन करो, ठीक है, हाँ, काउंटरफिटिंग बैंक करेंसी नोट, सब चीजें आ जाती हैं. नार्कोटिक्स पैराग्राफ टू में गिवन है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के ऑफेंसेस. आपको ऑफेंसेस याद नहीं करने हैं, आपको एक एक ऑफेंस याद नहीं करना है, पर फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है. तो नार्कोटिक्स आ जाता है हमारा पैराग्राफ टू में. पैराग्राफ थ्री में एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, मतलब आपने कोई भी टेररिस्ट एक्ट, कोई कॉन्स्पिरेसी वगैरह की है तो उसकी पनिशमेंट्स वहां पे दी हुई है. आर्म्स एक्ट है, फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट है. ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स में क्या है, कुछ ऑफेंसेस अंडर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स जिसके क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो डिफाइंड है,
ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 29, जो कि आप समझ पाओगे, जिसमें ऑफेंस है ऑफ कंपनीज एक्ट। मैम, कंपनीज एक्ट के कोई ऑफेंस में भी ऐसा हो सकता है? मतलब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 447, सेक्शन 447 द ओनली सेक्शन जहां पे अरेस्ट भी हो सकता है, जहां पे पावर ऑफ अरेस्ट भी मिल जाती है एट सर्टेन पॉइंट। तो सेक्शन 447 में आपने फ्रॉड किया, फ्रॉड किया, उससे आपको पैसा मिला, उस पैसे से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, दैट विल बी नोन, या वो जो पैसा मिला दैट विल बी नोन एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। और उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड आप कोई भी एक्टिविटी करते हो या उसका साथ देते हो तो वो क्या कहलाएगी? मनी लॉन्ड्रिंग। अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो हमारा शेड्यूल है, शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जैसे अगर डिफरेंट पार्ट्स तो है ही, पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए में बहुत सारे पैराग्राफ्स है। पार्ट ए में क्या लिखे हुए हैं? शेड्यूल्ड ऑफेंसेस लिखे हुए हैं और पार्ट ए में बहुत सारे पैराग्राफ्स है। पार्ट बी में ऑफेंस अंडर कस्टम्स एक्ट आता है। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस है, उन सारे के सारे को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड ऑफेंस। कमिंग बैक टू आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब कोई भी तरीके का एसेट हो सकता है, कोई भी तरीके का एसेट कहीं पे भी लोकेटेड हो, ठीक है, डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड, आपने डायरेक्टली खरीदी हो, किसी के थ्रू खरीदी हो तो भी वो प्रॉपर्टी ही कहलाएगी, बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन ने। अब पर्सन कौन होता है? अगर आप पर्सन की बात करो तो पर्सन कौन होता है? एग्जैक्टली सारे के सारे लोग पर्सन में आ जाते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू एन इंडिविजुअल, ओके? सो बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। और अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी, मतलब आपको ये जो पैसा मिला, सपोजिटली आपने कंपनीज एक्ट 447 का ही कोई फ्रॉड किया है और उसके बाद आपको पैसा मिला, जो आपको प्रोसीड्स मिले उससे आपने क्या किया? से लंदन में जाके एक घर खरीद लिया, लंदन में जाके एक घर खरीद लिया, तो वो घर क्या है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। मतलब क्राइम से आया हुआ पैसा, क्राइम से आई हुई प्रॉपर्टी। कौन सी क्राइम से? जो शेड्यूल्ड ऑफेंस में लिखा हुआ है, मतलब जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके। तो ये जो आया, अब मान लीजिए लंदन के घर के हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? जो भी उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी वहीं पे उसी को हम मान लेंगे, या उसी उस तरीके की प्रॉपर्टी की इक्विवेलेंट वैल्यू जो हमारी कंट्री में होगी वो हम मान लेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम समझ में आ गया, फिर से आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे। Whosoever directly or indirectly attempts or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity related to proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition or use. Kaisi activity aap concealment, कंसीलमेंट देन पोसेशन एक्विजिशन और यूज, मतलब आप जान के उस घर में रह रहे हो, मतलब आपको पता है ये घर खरीदा गया है ड्रग ट्रैफिकिंग के से कमाए हुए पैसों से, एक घर खरीदा गया और आप उस घर में ये जानते हुए रह रहे हो, नोइंगली you are knowingly assisting in the activity relating to possession, related to proceeds of crime. पर सिर्फ इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोल सकते हैं। मैम कहीं कन्वर्जन तो आया ही नहीं, पैसे तो हमने कुछ कन्वर्ट किए ही नहीं। कन्वर्जन तब आता है या प्रॉब्लम तब आती है when
and you project it or claim it as untainted property. Matlab saaf swachh. Then that particular person shall be guilty of an offense of money laundering. So the problem here arises that you are tainting, you are projecting it as untainted money. You are claiming it as untainted money. तो क्या हम जाके surrender कर देंगे? बिल्कुल करना ही है. आप अगर ये दिखा रहे हो कि ये मेरा clean money है, white money है, ठीक है? किसको आप व्हाइट मनी बता रहे हो? किसको आप व्हाइट मनी बता रहे हो? आप किस तरीके से बताओगे? अब ऐसे ही तो नहीं बता दोगे ना. तो वो जो पूरा लेयरिंग वगैरह वो सब पढ़ा उसी तरीके से बताया गया है, ठीक है? बट दे आर स्टिल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. दे स्टिल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम. सो एनी प्रॉपर्टी दैट यू हैव डिराइव्ड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड इफ यू tainting, if you're projecting it, if you're claiming it as untainted property, then all the parties therein involved who are knowingly a party or knowingly assist you or attempt so or is actually involved will be charged for an offense of money laundering under this particular act. ठीक है? किसी को कोई confusion समझ में आया? अभी तक तो हमने सिर्फ meaning ही समझ रहे हैं हम money laundering act का. Proceeds of crime क्या होता है? Property derived or obtained as a result of criminal activity relating to a scheduled offence or the value of such property. नहीं, property or the value of such property क्यों बोला गया है? मान लीजिए वो property खरीदी थी, property बेच दी, तो उसकी value, ठीक है? या वो बेचने लायक नहीं है, जो भी है, ठीक है? या अगर वो इंडिया के बाहर है तो वहां की value, या उससे equivalent type की यहाँ की value. शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कौन से होते हैं? शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है इन पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, जो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है इन पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल्ड, अगर शेड्यूल अगर उनकी टोटल वैल्यू ऑफ द ऑफेंस इज 1 करोड़ और मोर. मैंने आपको बताया ना, एक शेड्यूल है उसमें 3 पार्ट स्पेसिफाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है? पार्ट ए में सारे के सारे आपके ऑफेंसेस आ गए जो अभी मैंने आपको बताया, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है. पैराग्राफ 1 इज रिलेटेड टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. उस तरीके से पार्ट बी में जैसे मैंने आपको बताया कि वो कस्टम्स से रिलेटेड है, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड. पार्ट बी में ऑफेंसेस अंडर कस्टम्स एक्ट है, जैसे आप फॉल्स डिक्लेरेशन या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हो तो ऑफेंस होता है, बट उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का शेड्यूल्ड ऑफेंस तब कहलाएगा अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा है. और पार्ट सी में जो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है अगेन वो भी शेड्यूल्ड ऑफेंस कहलाएंगे, ठीक है? सो शेड्यूल्ड ऑफेंस की भी आपको अलग से डेफिनेशन दी हुई है. सो डेफिनेशंस हमने कौन कौन सी कवर कर ली? मनी लॉन्ड्रिंग, देन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, देन प्रॉपर्टी, देन शेड्यूल्ड ऑफेंस, राइट? चलिए, लेट्स मूव फर्दर नाउ. आगे बढ़ते हैं. हमने देख लिया कि ये तो क्या हो गया, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगा, राइट? दिस विल बी नोन एज ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. अब देखते हैं कि इसकी पनिशमेंट क्या होती है. अगर आपने ये ऑफेंस किया अंडर सेक्शन 3, मतलब आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो हाउ यू विल बी पनिश्ड? इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड फाइन. So any person who commits the offence of money laundering shall be punishable with a rigorous imprisonment. Rigorous imprisonment क्या होता है? Normal imprisonment and rigorous imprisonment में difference क्या होता है? Which involves the work of labour. मतलब अब से काम भी करवाया जाएगा. So rigorous imprisonment for a term कम से कम 3 साल, maximum 7 साल and fine without any limit.
विदाउट एनी लिमिट. सो अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया है तो रिगरस इंप्रिजनमेंट हो सकता है 3 से 7 साल तक का, और साथ साथ फाइन लग सकता है बिना किसी लिमिट के. ठीक है, बिना किसी लिमिट के. पर पार्ट ए का पैराग्राफ 2, शेड्यूल पार्ट ए पैराग्राफ 2, मतलब जो नारकोटिक्स से रिलेटेड आपके क्या थे ऑफेंस स्पेसिफाइड है, तो उस सिचुएशन में जो पनिशमेंट होती है वो रिगरस इंप्रिजनमेंट कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक का हो सकता है, एंड फाइन विदाउट एनी लिमिट. ठीक है, एंड फाइन विदाउट एनी लिमिट. इज दैट क्लियर? चलिए, देयर आर 4 केसेस गिवन, जरा एनालाइज करते हैं उसको और देखते हैं कि क्या पनिशमेंट बनेगी. जेड, अ नोन स्मगलर, वॉज कॉट इन द ट्रांसफर ऑफ फंड्स इनलीगली एक्सपोर्टिंग नारकोटिक ड्रग्स फ्रॉम इंडिया टू सम कंट्रीज इन अफ्रीका. स्टेट द मैक्सिमम पनिशमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड. तो वो क्या कर रहा है, स्मगलर है, वो ट्रांसफर ऑफ फंड्स इनलीगली, इनलीगली फंड ट्रांसफर कर रहा है, एक्सपोर्टिंग नारकोटिक ड्रग्स, मतलब नारकोटिक ड्रग्स पहले तो शेड्यूल्ड ऑफेंस हो गया, है ना, उससे आपको पैसा मिला, उसको आप क्या कर रहे हो, इलीगली ट्रांसफर कर रहे हो. सो यू आर समवेयर इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, है ना. तो आपने मतलब ऑफेंस किया है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यू ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इट एज द टेंटेड मनी ना, आप इसीलिए तो ट्रांसफर कर रहे हो, राइट. इलीगली आपने एक्सपोर्ट किया है और उसी फंड्स को आप इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हो, दैट मींस आपने ऑफेंस तो किया है मनी लॉन्ड्रिंग का. अब आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी मिल सकती है, तो यूजुअली मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट है, पर क्योंकि ये नारकोटिक्स से इन्वॉल्व है तो इसमें क्या होगा, 10 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है. नेक्स्ट सिचुएशन, सोहन लाल अ फार्मर वॉज फाउंड इन्वॉल्व इन एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम. ओपियम भी क्या होता है, नारकोटिक्स ड्रग्स. नाम इतनी जानकारी तो हमें नहीं है बेटा, मुझे भी नहीं है, पर पढ़ पढ़ के लानी पड़ेगी. कल्टिवेटेड बाय हिम, स्टेट द पनिशमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड टू हिम. अगेन द सेम, मिस्टर ऑनेस्ट अ नोटोरियस वाज कॉट इन पोजीशन ऑफ काउंटरफीट करेंसी नोट्स. ठीक है, ऑफेंस है, एन ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट ए पैराग्राफ 1. पार्ट ए पैराग्राफ 1 में स्पेसिफाइड है, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में स्पेसिफाइड है. Of the Schedule of Prevention of Money Laundering Act, punishment इसको कितनी मिलेगी, 3 से 7 साल plus fine, without any limit. Mr. Raja was arrested for counterfeiting 2000 rupee notes. State the maximum punishment that can be awarded to him. So again, 3 से 7 साल. नहीं तो आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो मतलब उसने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो उसके पास है ना, क्राइम किया है तो क्राइम से रिलेटेड प्रोसीड्स भी तो है ना. ठीक है, वो आपको शॉर्ट में दिया हुआ है इसीलिए. इज इट ओके? चलिए, इसके आगे का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले सेशन में. थैंक यू.